नमस्कार, आप देख रहे हो कि न्यूज हरियाणा और मैं हूं सत्येंद्र यादव। सेवा सुरक्षा और सहयोग की बात करने वाली हरियाणा पुलिस अब खुद असुरक्षित है। जी हां, ऐसा ही एक मामला अटेली से सामने आया है, जिसमें हरियाणा पुलिस के एक सिपाही को पीटा गया है, जान से मारने और नौकरी खा जाने की धमकी दी गई है। अटेली पुलिस स्टेशन में तैनात एक सिपाही को दीवारों पर फेंक फेंक कर पीटा गया है, वर्दी फाड़ दी गई, गालियां दी गई हैं, अन्य प्रकार की यातनाएं भी एक सिपाही को दी गई हैं। आगे की कहानी भी आपको बताएंगे, इससे पहले पीड़ित सिपाही का दर्द सुन लीजिए। सर, मेरा नाम सिपाही भूपेंद्र है और मैं नारनौल डिस्ट्रिक्ट में पुलिस में नौकरी करता हूँ। फिलहाल मेरी पोस्टिंग अटेली थाने में। चालान कर रहे थे हम ये कनीना चौक के ऊपर, तभी एक पिकअप आई, उसको मैंने रुकवाया। हाँ भाई, तो उसने कहा तूने मेरी गाड़ी कैसे रुकवा ली? भाई क्या बात, बोला मैं विधायक का भतीजा हूँ। फिर उसने मेरे साथ गाड़ी गलौज की, बोला तेरी हिम्मत कैसे भाई, उसने मेरे साथ गाड़ी गलौज। मैंने उसको पकड़ के हमने उसको गाड़ी में बैठा दिया, चल भाई तू ऐसे कैसे गाड़ी दे रहा है। उसके बाद वो उतर गया और उसने फिर वो चला गया। 10 मिनट बाद विधायक का लड़का आया, उसने और उसके साथ एक वो ब्रेजा गाड़ी थी, उन्होंने मेरे पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी। अगले पैर में रोकी नहीं, वो तो मैं हट गया, वरना मैं वहीं पे मेरा पैर टूटी। ठीक है, मैं फिर भी सहन कर गया, मैं साइड में हो लिया। उसके बाद उन्होंने वो बोला भाई तू मेरे ऑफिस पे आ। मैंने कहा जी मैं आपके ऑफिस पे नहीं आऊँगा, मैं थाने में आओ, आप मेरे थाने में आ जाइए। मैं तुरंत वहाँ से गाड़ी लेके थाने में आ गया। आधा घंटा मैं थाने में खड़ा रहा, वो होने से वहाँ से कोई नहीं आया। फिर मैं रोड पे फिर आ गया, फिर मेरे पास रखे और मेरे को दीवारों पे बगा बगा के पीटा है ऑफिस के अंदर। और माँ बहन की गाड़ियां जितनी बुरी यातनाएं दी जा सकती उतनी दी उन्होंने मुझे। और बोला तू जा, तेरे से हो सकते वो कर ले, तेरी नौकरी भी खाएंगे और तेरे परिवार को मारेंगे तेरे को। पीड़ित सिपाही भूपेंद्र ने जो आरोप लगाए हैं वो किसी नुक्कड़ के गुंडे पर नहीं, बल्कि अटेली विधायक सीताराम यादव के पुत्र प्रवीण व अन्य पर लगाए हैं। सिपाही भूपेंद्र ने अपना MLR कटवाकर शिकायत SHO अटेली को देकर उचित कार्रवाई की मांग की है, जबकि विधायक पुत्र प्रवीण ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। दूसरी ओर जिस पिकअप के चालान और गाली गलौज को लेकर मामला बना, उस पिकअप के चालक सतीश ने भी सिपाही भूपेंद्र के खिलाफ शिकायत देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। सर, प्रवीण पर गंभीर आरोप भूपेंद्र सिपाही ने लगाए हैं कि उनके साथ मारपीट की, यहाँ तक कि इस दफ्तर में भी मारपीट की है, क्या कहेंगे इस बारे में? सतेंद्र जी, जो आपने प्रवीण के बारे में जो ये कल जो घटना घटी इसके बारे में जो बताया, इसमें मेरा स्पष्ट कहना है कि इसकी न्यायिक जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, मेरा इसमें यही कहना है। जो मैंने जो जानकारी ली इसमें ये आरोप निराधार है। खैर, सच है जो छिपता नहीं, सामने आ ही जाएगा। अब देखना यह होगा कि ऊंट किस ओर करवट लेता है, अर्थात मामले में क्या नया मोड़ आता है। खबर नहीं सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज हरियाणा। नमस्कार।